हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आजकल की जो हमारी लाइफ है उसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें कि है हमारा सबसे बड़ा और आजकल का सबसे ज़्यादा जो होने वाला प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब कि नॉर्मली नहीं, आपके कॉम करने के बिना ही आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। मीन्स आप सर में अपने कॉम भी नहीं कर रहे हैं और आपके बाल ऐसे ही टूटते जा रहे। तो उनमें से मैं भी एक हूँ कि जिसके बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 98-99% लोग जो है ना वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आगे जा रहे हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। आप सभी को पता है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम है। जैसे कि आप मेरे हेयर्स देख रहे हैं, वो तो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, पर मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मुझे किसी ने बताया किसी एक शैम्पू के बारे में, तो मैं अभी उसका आपको रिव्यू करूँगी। तो शैम्पू के बारे में बताया जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था, उससे मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल मतलब हो रहे थे, जो कि कम हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे 100% पूरा का पूरा मुझे फ़ायदा मिला हो, बट नहीं, अगर 100% नहीं बट 80% तो मुझे उससे फ़ायदा मिला है, तभी मैं आप लोग के साथ में उसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जिस रिव्यू करने वाली हूँ शैम्पू का, वो है ये। तो ये है सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू फॉर फेरिकल थिनिंग हेयर, हेयर फॉल ड्यू टू ब्रेकेज। 250 ml की ये बॉटल है, आप देख सकते हैं गाइस, ये 250 ml की बॉटल है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज जब से मेरे को हेयर फॉल होना चालू हुआ है, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इससे। और इसकी मेरे पास 2 bottles रखी हुई हैं, तो जिसमें से एक ये है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, बिकॉज ये शैम्पू मुझे ही हेयर फॉल के लिए बेस्ट लगा। क्योंकि आजकल ना हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, वो टीनेजर्स हो, ये वो यंग ओल्ड कोई भी हो, किसी भी गर्ल हो या बॉय हो, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जा रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल यार सबको है। तो गाइज, अगर हम इसकी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस जानते हैं हम आज इसका। तो इसका प्राइस है गाइज 460 rupees, मतलब कि 500 के अराउंड ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो शैम्पू है अगर आपको कॉस्टली लग रहा है, तो कॉस्टली पे बिल्कुल भी मत जाइए। बिकॉज अगर आपके हेयर फॉल होना कम हो रहे हैं इससे, तो ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। और ये है एम्बे का प्रोडक्ट। एम्बे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जाना पहचाना ब्रांड, और जाना पहचाना क्या कि हमारे इंडिया में नहीं, हमारे अदर कंट्रीज़ में भी एम्बे सभी लोग जानते हैं, एम्बे के प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक सेल होते हैं। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको परचेस करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कहाँ से परचेस करा है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन बिल्कुल ही मत मंगाइए। अगर आपके आसपास कोई स्टोर है या किसी आप एम्बे प्रोडक्ट के सेलर को जानते हैं, तो आप उनसे मंगाइए इस शैम्पू को। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा शैम्पू का, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और आप सबको पता है कि आपके जो हेयर्स है उसको थिन करता है। और फ्रेंड्स, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रही हूँ जिनको भी हेयर फॉल होता है, उनके बहुत हद से ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले रूखे सूखे हो जाते हैं। बिकॉज हमें किसी ना किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी होती है, किसी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं, या फिर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हमारे हेयर फॉल होने के। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, अगर आपकी नींद 12 से लेकर 4 बजे तक का सुबह जो टाइम होता है वो सोने का होता है प्रॉपर, हमें उस टाइम में अच्छी नींद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे बड़ा रीज़न है उसका हेयर फॉल होना है। तो आप लोग जिनको भी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब कि अगर जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है, तो वो अपनी नींद पे ज़रूर ध्यान दिए और पूरी से पूरी नींद लें, ज़्यादातर पानी पिए और अपने जो डाइट है उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस खाएं, अच्छा फ्रेश ताज़ा खाना खाएं, फूड्स खाएं। तो उन सब चीज़ों को खाने के बाद में अपना ये शैम्पू भी यूज़ करें। बिकॉज़ हम शैम्पू के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि हमारे हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएं, तो हमें सारे न्यूट्रिशंस अपनी बॉडी में ज़रूर लेने होंगे। उसके बाद में आप देखिए आपके बाल कितने ही प्यारे और खरीद सुंदर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि ये जो शैम्पू ये पैराबेन फ्री है, इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं।
इस शैम्पू में। बहुत से डर्मोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके हेयर फॉल के लिए इस शैम्पू को रिकमेंड करते हैं। ये शैम्पू गाइस आपके स्कैल्प को रिड्यूस करता है, आपके जो बाल हैं उसको मोटे और घने बनाता है और शाइनी बनाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अपने हेयर को वॉश करा था, उसके बाद में मैंने कॉम तक अपने हेयर पे नहीं किया है, थोड़े से बहुत गीले थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर्स, आप मेरे हेयर्स देख सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक शैम्पू के साथ में एक इसका जो कंडीशनर है वो भी है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे उसका रिव्यू शेयर करूँगी, उस वीडियो के आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर जैसे कि हम इस शैम्पू को खाली यूज़ करते हैं ना, कि जस्ट हमने शैम्पू को यूज़ कर लिया उसके बाद में हम अपना कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे, तो थोड़े बहुत हमारे जो हेयर्स है वो ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए हमें कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज कंडीशनर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट मैं उन फ़ायदों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताऊँगी जो कि इस वीडियो के बाद में आएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा जो अपने ऑयल हैं वो चेंज करते रहते हैं अपनी हेयर्स के लिए। ऑयल लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें वीक में वन टाइम तो ऑयलिंग करनी ही चाहिए अपने हेयर्स पे, बट उसके अलावा हमें अपने हेयर्स पर बदल बदल के ऑयल नहीं यूज़ करने चाहिए, ना ही बदल बदल के शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसी शैम्पू को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी शैम्पू को यूज़ करिए, आपको जो भी शैम्पू अच्छा लगता है या जो भी आपके हेयर्स के लिए सूटेबल है तो आप वो शैम्पू यूज़ करिए, बट ओनली एक ही शैम्पू यूज़ करिए। अगर आप शैम्पू चेंज करते रहते हर दूसरे दिन, अगर आप ऑयल चेंज करते रहते हर दूसरे दिन, तो आपके हेयर फॉल तो होने ही है गाइस। अगर आप चेंज कर करके प्रोडक्ट्स अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो आपके हेयर्स तो वैसे ही केमिकल भरे हो जाएंगे और टूटने लगेंगे, और आप कुछ टाइम बाद आपके बाल ही नहीं दिखेंगे आपके सर में। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छा सामान लगाइए, अच्छी चीज़ें यूज़ करिए, उसके बाद आप खुद अपने आप में रिजल्ट देखिए। फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बट हाँ, मैं आपसे सीरियसली बोल रही हूँ कि आप इस शैम्पू को ज़रूर यूज़ करिएगा, बिकॉज मैं भी अभी यूज़ कर रही हूँ, पहले भी कर रही थी, मुझे फ़र्क तो पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।